सो हे गाइस, आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो लेके। आज जानेंगे एसकेआईटी और जेईईआरटी में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, मतलब कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज मतलब कम अच्छा है, मतलब दोनों में जो कंपटीशन होता है ना यार, जो चल रहा है बहुत दिनों से, बच्चों को डाउट आ रहा है कि कौन सा कॉलेज ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कॉलेज अच्छा है कि कौन सा कॉलेज अच्छा कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको देखने वीडियो एंड तक शेयर करना है इस वीडियो को दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करना चैनल को, बाकी तो वीडियो को स्टार्ट करते कुछ नया सीखते हैं। तो बेसिकली पहले बात करते हैं यार, अभी अपन लोगों ने खोल रखा है अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, आप लोगों के लिए अच्छा सा वॉलपेपर बना रखा है एसकेआईटी वर्सेस जेईईआरटी। तो जेईईआरटी जिसकी बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी वाली, जेईईआरटी यूनिवर्सिटी नहीं है, जेईईआरटी का जो फाउंडेशन कॉलेज है उसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। जेईईआरटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो उसकी तो अपन बात अभी कर सकते ही नहीं है। तो एसकेआईटी और जेईईआरटी दोनों ही आरटीयू से अफिलेटेड है। आरटीयू क्या है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है भैया। तो एसकेआईटी का एनवायरनमेंट पहले देख लेते हैं। एसकेआईटी का एनवायरनमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब आपको थोड़ी स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी कि हाँ यार आपको मतलब बहुत जगह से लगेगा नहीं यार कॉलेज वाली वाइब नहीं आ रही है, स्कूल वाली वाइब आ रही है, ठीक है। उसके बाद में आपको यूनिफॉर्म वगैरह देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। मतलब एसकेआईटी के अंदर आपको यूनिफॉर्म पहन के आनी पड़ेगी, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मैं वरुण धवन जैसे कपड़े पहन के घुस जाऊँ कॉलेज में, नहीं, ठीक है, ऐसा अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को यूनिफॉर्म है जो सेट कर रखी है कॉलेज वालों ने, वो पहन के आनी होती है। ये हो गया अपना एसके, ठीक है। बात करते हैं जेईईआरटी वालों का, तो जेईईआरटी में जैसे मैंने सुना है यार ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, इतनी बड़ी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। उसके बाद करते हैं इनमें यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं है, तो आप आराम से उधर वरुण धवन या जो आपका फेवरेट एक्टर है वो बन के वो आप घूम सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया कि कोर्सेज कितने ऑफर होते हैं इन कॉलेजेस में, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इन कॉलेजेस के अंदर। तो एसकेआईटी के अंदर सारे कोर्सेज अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बीटेक कर सकते हैं आप इस कॉलेज में, फार्मेसी कर सकते हैं आप इस कॉलेज में, एमबीए कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, इतना सब कर सकते हैं। और जो जेईईआरटी फाउंडेशन कॉलेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीटेक ही अवेलेबल है, क्योंकि वो यार बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, ठीक है, ये मान लिया आपने, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो एसकेआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है जेईईआरटी कॉलेज से, तो मतलब रिलेटिवली तो बहुत अच्छा भी है, मतलब आपको ग्रीनरी वगैरह सब देखने को मिलेगी एसकेआईटी के कैंपस के अंदर, सारी लैब्स वगैरह वेल फर्निश्ड है, वेल इक्विप्ड है, क्लासेस वगैरह भी वेल मेंटेन्ड है, मतलब बसें होती ना जो यार अच्छा लगेगा आपको, मज़ा आएगा कि हाँ भाई ठीक ठाक है, क्लासेस इतनी बुरी भी नहीं है। और दोनों जगह जा चुका हूँ मैं, ठीक है ना, एक जगह तो मेरा कॉलेज है एसकेआईटी, तो मेरा कॉलेज है, और जेईईआरटी मेरा कॉलेज का जो एग्जाम सेंटर होता है वो बन के आता है, ठीक है, तो मेरे को पता है कैसा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जेईईआरटी का कैंपस कैसा है। जेईईआरटी का कैंपस भी अच्छा है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, मतलब इतना बड़ा नहीं है, बट अच्छा है, आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें बेसिकली चार ब्लॉक्स हैं, ठीक है, उसमें ना ब्लॉक्स में आपके वो लगती है क्लासेस वगैरह, जो आपके कंप्यूटर साइंस वगैरह सबके जो डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अलग अलग ब्लॉक्स हैं, उनमें आपकी क्लासेस लगती रहती है। अब बात करते हैं भैया, ये तो हो गया, आपके कैफेटेरिया वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, लैब्स वगैरह सारी वेल फर्निश्ड है, बट जो क्लासरूम की मैंने वो कंडीशन देखी ना यार, इतनी अच्छी नहीं लगी मेरे को, मतलब यार रिलेटिवली एसकेआईटी से थोड़ी सी यार कम है, समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, ठीक है। तो नॉर्मल क्लास है, आपको ऐसा लगेगा कि आप स्कूल के अंदर बैठे हो, ऐसी वाइब आने वाली है आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि अपने स्पोर्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं दोनों कॉलेजेस के अंदर। तो एसकेआईटी के अंदर अभी फिलहाल सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबल है, तो बास्केटबॉल तो अवेलेबल हो गई, वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह की अच्छी टीम जाती है हर साल, ठीक है, फिर अपने आती है, और फुटबॉल वगैरह सारे के सारे गेम्स अवेलेबल हैं। उसके बाद में आपको ना बहुत सारे ना ओपन जिम मिल जाएगा, एक ओपन जिम मिलेगा, ठीक है, उसमें आप बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अंदर भी एक जिम मिल जाएगा, तो उस जिम में भी आप चिल कर सकते हैं और मज़े कर सकते हैं, बॉडी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि यार भैया कैफेटेरिया वगैरह, मतलब जो टी पोस्ट वगैरह है कॉलेज के अंदर, एसकेआईटी के कॉलेज के अंदर, ठीक है, उसमें भी आप जाके अपने चाय की चुस्के लगा सकते हैं, स्टेशनरी वगैरह सारी अवेलेबल है। अब बात करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की, बात कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट, यार इंडोर अब तक ले, अभी तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक इंडोर कोर्ट नहीं है अपने एसकेआईटी के पास, बट अभी फिलहाल 2-3 महीनों में बन जाएगा, ये बहुत अच्छी खुशखबर है। जेईईआरटी के स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जेईआरटी में सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल कोर्ट है उधर, उसके बाद में जैसे कि और भी थोड़ी और जो क्रिकेट ग्राउंड है उधर आप क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉलीबॉल वगैरह भी अवेलेबल है, तो आप मतलब अब ग्राउंड दे रखा है, आप उस पर कुछ भी करो यार, आपकी मर्जी है।
ठीक है, ये वाली बात है। बैडमिंटन कोर्ट वगैरह भी आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी, भैया कैफेटेरिया अवेलेबल है, ऑडिटोरियम दोनों कॉलेजेस में अच्छे ऑडिटोरियम है। बट जो SKIT का जो मैंने खुद देखा है उसकी तो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी पार्टीज वगैरह भी होती रहती है, तो मतलब वो तो यार अल्टीमेट है। उसके बाद बात कर लेते हैं अपन यार, अब बात करते हैं भैया फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं कॉलेज के दोनों के। ठीक है, पहले बात करेंगे SKIT की। SKIT के फैकल्टी मेंबर्स हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं अब तक यार, वो ज़्यादा से ज़्यादा यार सारे के सारे PhD होल्डर्स हैं, मेजोरिटी तो PhD होल्डर्स हैं। और कुछ जो असिस्टेंट टीचर्स हैं वो थोड़े से शायद से आप मतलब वो भी बहुत अच्छे हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं, बट यार थोड़े से मतलब आप ऐसा नहीं है कि कुछ के पास PhD डिग्री आपको नहीं मिलेगी। और ज़्यादातर लोगों ने अपनी PhD या कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रखी है, जैसे कि NIT हो गया या IIT से भी कर रखी है, तो आपको मतलब अच्छा लगेगा मतलब पढ़ के। और JCERT में से बात करते हैं, JCERT की जो फैकल्टी है वेल क्वालिफाइड है, वो भी अच्छी क्वालिफाइड है, उधर भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्वालिटी मतलब जो फैकल्टी है ना दोनों कॉलेजेस की अच्छी मानी जा रही है। अब बात कर लेते हैं कि भैया हॉस्टल कितने अवेलेबल हैं, हॉस्टल कैसे अवेलेबल है दोनों कॉलेजेस के अंदर। तो SKIT का जो हॉस्टल है मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं कि भाई इन डेप्थ जानना है आपको कि कैसे है, तो अपन वो देख सकते हो वीडियो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब बात करते हैं कि भाई मैं थोड़ा जानते हो लेते हैं ब्रीफ में। तो SKIT के पास दो, एक गर्ल्स हॉस्टल एक बॉयज़ हॉस्टल, एक मैस है जो कि आमने सामने है, पर ये अलग है हॉस्टल से और इंडिविजुअल, मतलब दोनों की सेम मैस नहीं है, अलग अलग मैस मिलेगी गर्ल्स और बॉयज़ की। ठीक है, ऐसी है JCERT के भी यहाँ दो बॉयज़ हॉस्टल है एक गर्ल्स हॉस्टल है, मैस वगैरह का थोड़ा आइडिया कम है मुझे कि मैस कैसा है, और जितना मुझे लगता है कि अलग अलग ही होनी चाहिए इनकी मैस भी। अब बात करते हैं कि खाना कैसा है मैस का खाना, मैस के दोनों के मैसेज का खाना यार एवरेज मान सकते हैं, एवरेज खाना है दोनों कॉलेज के मैस का। अब बात करते हैं भैया जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्लेसमेंट किसके अच्छे हैं। तो बात ऐसी कि इस साल अपने बताया जा रहा है कि यार अच्छे प्लेसमेंट लगे हैं SKIT कॉलेज के अंदर, जो कि मेजरली ऑफ कैंपस लगते हैं अच्छे, जो कि बहुत अच्छे जाते हैं 40 लाख 45 लाख वो सारे ऑफ कैंपस लगते हैं। बट ऐसी बात है कि यार अभी जो अपने SKIT का जो प्लेसमेंट चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब अच्छे रैंक में आता है इसके प्लेसमेंट। मतलब इस साल जो एवरेज पैकेज लगे हैं, इस साल और पिछले साल जो कि एवरेज पैकेज थे वो 6 से 8 लाख के बीच में थे, मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब 6 से 8 लाख के बीच में अगर एवरेज पैकेज है कॉलेज का तो बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं कि यार हाईएस्ट पैकेज कितना जाता है, हाईएस्ट पैकेज जाता है इसका 12 से 15 लाख के बीच में, जो कि बहुत अच्छा है। और ऑफ कैंपस तो बहुत सारे जाते हैं, जैसे कि 18 लाख 43 लाख वगैरह जाते रहते हैं, मतलब ये सब नॉर्मल है इधर। उसके अपन जाते हैं JCERT में, JCERT के जो पैकेजेस हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। उसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 5 से 6, मतलब जो एवरेज पैकेज है वो है 5 to 6 लाख के बीच का, मतलब ठीक है इसका, थोड़े SKIT से थोड़ा कम मान लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसका हाईएस्ट पैकेज कितना, हाईएस्ट पैकेज है इसका 14 लाख पर NM का। इधर DLOIT वगैरह जैसी कंपनी आती रहती है, ठीक है, तो इसका हाईएस्ट और एवरेज पैकेज भी दोनों सही सही है, मतलब SKIT JCERT के दोनों प्लेसमेंट वगैरह अच्छे हैं और ठीक ठाक हैं। अब बात करते हैं कि भैया आपको प्रेफरेंस किसको रहेगा, कौन से कॉलेज को रहेगा, मेरा क्या रहेगा सजेशन। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको SKIT और JCERT में चुनना है तो SKIT ही चुनिए, क्योंकि SKIT के अंदर आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जैसे डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स वगैरह अवेलेबल हैं, और भी जो उसका जो कैंपस है टीचर्स वगैरह सारे अच्छे मिलेंगे आपको। मतलब JCERT अगर आपकी प्रेफरेंस है तो पहले SKIT को रखो, फिर अपनी JCERT को अपनी प्रेफरेंस में रखना, ये मेरा सजेशन रहेगा। मतलब आप मान सकते हैं कि हाँ SKIT थोड़ी सी एज ले जाता है मतलब दोनों के कॉम्पिटिशन में। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज नहीं अच्छा है। ठीक है, बाकी कुछ भी डाउट हो भाई, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट्स में पूछना, और अपना रहता है कि अपन कमेंट्स को रिप्लाई कर देते हैं, बहुत जल्दी ट्राई करते हैं दे देते हैं रिप्लाई। बाकी आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ में और दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करो चैनल को। बाकी दोस्त थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, अल्लाह।